आज मुझे प्रस्तुत करने को जाऊँ चिंगुड़ी बिरयानी मुझे पूरा इजी वे रे चिंगुड़ी बिरयानी प्रस्तुत करके देखी देखो चाउल पूरा गोटे गोटे अच्छे चिंगुड़ी भी मसलार भल कोटिंग अच्छे आउ चाउल भी टिके स्लाइड स्लाइड मसलार कोटिंग अच्छे जहाद्वारा आपन को बिरयानी खाला बेल फिका लगे बहुत बढ़िया लगी था बिरयानी हेले चिंगुड़ी बिरयानी रेसीपी देखा आगु जब मो चैनल को सब्सक्राइब करना तले थोड़ा रेड कलर सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दिंतु ता पाखे थिबा बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन को क्लिक कर दिंतु जहाद्वारा न्यू वीडियो नोटिफिकेशन आपन खूब शीघ्र पाई गोटे लाइक शेयर कमेंट निश्चय करंतु हेले चालंतु देखिनबा चिंगुड़ी बिरयानी रो प्रस्तुति प्रणाली। चिंगुड़ी बिरयानी प्रस्तुत करने मुझे 500 ग्राम चिंगुड़ी नहीं भल भाव क्लीन कर नहीं मीडियम साइज चिंगुड़ी नहीं चाहिए बड़ साइज चिंगुड़ी भी नहीं पारे बिरयानी पे टिके बड़ साइज चिंगुड़ी हेले बहुत भल रही आम स्वाद अनुसार लुण पकई ना गोटे चम्मच हलदी गुंड पकई ना लुण और हलदी गुंड को भल भाव मिसई ना यहाँ को मेरीनेसन हो रखी ना सेत भितर आम कौन करवा मुझे दुटा बड़ साइज प्याज को पूरा लंबा लंबा पतला पतला कर रखी से गोटे चम्मच आरारूट पाउडर पकई ना आपड़ कॉर्नफ्लोर भी पकई पारे सब कुछ भल भाव मिसे ना एवं आम पिज को भाजी ना मुझे तेल गरम होगा रखी तेल को भल भाव गरम हाक देते ना पिज टे क्रिस्पी हेनी भल भाव तेल गरम हो सारापर आम पिज को सब पकई ना एबे मो गैस रो फ्लेम को मीडियम टू हाई रे रखी मीडियम टू हाई फ्लेम रे प्याज रो कलर टिके लाइट ब्राउन कलर आसिया पर्यंत आमे प्याज को भाजी ना देखंतु प्याज टी भल भाव भाजी सारे एबे आमे काढ़ी की गोटे प्लेट को बाहर कर ना ये प्याज को आपण बहुत दिन पर्यंत गोटे एयर टाइट कंटेनर रे रखि भी पारिबे जेते बिरयानी करिबे इडा पके के यूज करिबे मोर प्याज भजा रेडी होगा सीटा को साइड रखि ना एबे आमे कौन करिबा जो मैरिनेट करके चिंगुड़ी रखी थे से चिंगुड़ी को भाजी ना आम पूरा चिंगुड़ी को भाजबानी जस्ट 50% सीझा पर्यंत आम चिंगुड़ी को भाजवा गैस रो फ्लेम को मीडियम टू हाई रे रखी मुझे चिंगुड़ी को भाजी नहीं देखो चिंगुड़ी टी भाजी सारा आम यू प्लेट को बाहर कर ना से आउ टे तेल पकई ना मुझे जो तेल प्याज छाणी बेलू जो तेल टी यूज करी से तेल ही मुझे सबु थे यूज करुच्ची कहीं प्याजर फ्लेवर अच्छी तार टेस्ट बहुत भल लगे ये आम आलु को पकई ना मुझे दुटा मीडियम साइज आलु को मीडियम साइज काटिनेईर अल्प टिके लुण पकई ना लुण पकई कि घोड़े कि मीडियम टू हाई फ्लेम भाजी ना जमी टे आलुटी पोड़ पोड़ हो टे सीझीज पूरा सीझला भाया करे टे सीझीज आए पोड़ पोड़ हे देखो आमर आलु भी होगा आम आलु को भी गोटे प्लेट को बाहर कर ना एवं आम चिंगुड़ी और आलु को गोटे मसलार कषा से लगे मुझे प्यान को गरम हाँ बसई से प्याज तेल रु तीन चार चमच तेल पकईने तेल टी भल भाव गरम हाबाक दबा से अल्प टिके हाफ गोटे सान चमच हाफ चमच एम हम चीनी पकई ना चीनी को टिके कैरमेल हाबाक दबा चीनी टी कैरामेल होती गोटा गरम मसला पकई ना गोटे गरम मसलार मुझे दुटा तेजपत्र गोटे पीस डालचीन गोटे स्टार एनिस चार पाँच लवंग पाँच छः गोलमरीच दुई रु तीन गुजराती गोटे अलैच पकई नहीं आम गोटे सान चमच जीरा पकई ना सबको तेल में भल भाव भाजवाक दबा भाजी सारापर मुझे गोटे सान साइज प्याज को छोट छोट पीस कर रखी थी से पकई ना प्याज टी भल भाव भाजी हो सारा से दु बड़ चमच अदा रसुण पेस्ट पकई ना लो टू मीडियम फ्लेम रे अदा रसुण कंचा स्मेल जवा पर्यंत अदा रसुण को आम भाजी ना देखो अदा रसुण भल भाव भाजी हो सारा एबे से मुझे दुईटा बड़ साइज टमाटो पकई टमाटो को छोट छोट पीस कर टमाटो टी शीघ्र सीझापी अल्प टिके लुण पकई ना गोटे सान चमच हलदी गुंड पकई ना गोटे बड़ चमच धनिया गुंड पकई ना गोटे सान चमच जीरा गुंड पकई ना गोटे बड़ चमच लंका गुंड पकई ना सबको भल भाव टमाटो सांगे मिसे ना
भल भाव मिशि सारापर लीड खोड़ी भल भाव टमाटो टी सीझा पर्यंत और भल भाव मसला कषा पर्यंत आपको आम फ्राए कर मझे मझे घाटी नौ थे देखु टमाटो भल भाव सीझी सारा आम मसलू टे तेल अंश भी छाड़ आसला एबे से आम तीन टा कंचा लंका पकई ना मुझे गोटा कंचा लंका पकई और जो भाजिक रखी थी पियाज से भजा पियाज को भी टिके अल्प टिके पकई ना सब पकेबे नहीं अल्प पकेबे और मु दही फेंटिक रखी थी दुई रु तीन बड़ चमच फेंटा दही पकई ना फ्रेश दही ने बेस खटा दही ने सब कुछ भल भाव मिसे ना मुझ दही टी पकवा समय गैस फ्लेम को पूरा लो कर तीन रु चार मिनिट मसला को भल भाव भाजी सारापर देखो से तेल बाहरी आसला एवं से कटा धनिया पत्र पुदरा पत्र को पके ना सब कुछ भल भाव मिसे ना जो आम आलु आ चिंगुड़ी को भाजिक रखी थे से आलु आ चिंगुड़ी को पके ना आलु आ चिंगुड़ी को भल भाव मसलार मिसेक चार पांच मिनिट भल भाव कषी ना मुझे लुण पकई नौ स्वाद अनुसार लुण देखिक पकेबे कहीं आम आलु आ चिंगुड़ी भाजवा समय लुण पकईचे आम मसलार भी टमाटो सीझाप लुण पकईचे से लगे देखिकी लुण पकेबे आलु आ चिंगुड़ी को एमती सुखा सुखा टिके तीन रु चार मिनिट भल भाव भाजी ना तीन रु चार मिनिट भल भाव कषि सारापर से आम गोटे सान कप पा पकई ना मीडियम टू हाई फ्लेम रे भल भाव यहीटा को कुक कर ना जमी टे अंश कमिजी देखु भल भाव चिंगुड़ी आलुटी मसला सागर मिसी जाइए जुगजुग हो गैस फ्लेम अफ करके सैडे रखि ना एबे हमें बिरयानी पाई राइस प्रिपेयर करिबा मु पानी फुटे नहीं थी पानी टिके फुटी आसलानी से गोटा गरम मसला सब पके ना ये जो सब गरम मसला मु चिंगुड़ी कसिया समय रे पकई थी से गोटा गरम मसला सब पकई गोटे बड़ चमच घी पके ना स्वाद अनुसार लुण पके ना गोटे सान चमच गोटा जीरा पके ना तापर ये आम चाउल पकई ना मुझे 400 ग्राम बासमती चाउल को धोई की पकई यहाँ मो चाउल को किसी बतुरे जस्ट धोईकी ही पकई एवं आम चाउल को सीझे को दबा चाउल आम पूरा 100% सीझेबानी 70-80% ही चाउल को सीझेबा देखु चाउल टी एम प्रेस कले इजिली भांगी जा मानने चाउल टीगलाको आम गाड़ी बाहर कर ना एबे आमे बिरयानी रा लास्ट स्टेज करिबा गोटे बिरयानी हांडी नहींचे जोटा कि मोटा डिश माने पूरा मोटा वाला डिश ने बेस पतला वाला डिश ने ना बिरयानी तलू लगे से मुझे घी लगे नहीं घी लगे द्वारा तले पोड़बनी आउ मो चिंगुड़ी कसारू गोटे लेयर दे दिली तापर से आम भात को पके ना ये देखो जी सब गोटा गरम मसला था मुझे बाहर कर राइस रो गोटे लेयर दे सारापर आम से मुझे केसर को उषुम क्षीर से किसी समय बतुरी नहीं केसर वाला क्षीर को पकई नहीं भजा पियाज पकई ना कटा धनिया पत्र और पुदीना पत्र को पकई ना आउ किसी बिरयानी मसला टिके स्प्रिंकल करदे आज तेल रखी थी पियाज तेल से पियाज तेल रु गोटे चामच पकई ना तापर आउ बाकी चिंगुड़ी कसा जो थी से गोटे लेयर देदे आपणे जो केसर ना आपण कौन करेंगे खाली क्षीर भी ये पकई पारे एवं कौन करेंगे टिके फुड कलर पकई ना ये फुल ऑप्शनल रेस्टोरेंट स्टाइल करने मुझे फुड कलर पकई नहीं से सेम प्रोसीजर राइस बाकी राइस को आम पकई ना से टे फुड कलर पकई ना और ये मुझे घी पकई नौ देसी घी पकई नौ बिरयानी मसला पके ना आपण जी बिरयानी मसला नहीं गरम मसला भी पके पारे छणा पियाज पके ना धनिया पुदीना पत्र पके ना आमर बिरयानी हांडी रेडी होगा यहाँ को अभी सिल कर ना मुझे आलुमिनियम फॉइल सिल कर नी ताप गोटे प्लेट रखि ना
आ गोटे हेमदस्ता टे ताऊपे रखिदा भल भाव सिल हाँपी आपण चाहिए ये अटा चक टिके अटा चकटा को आप चारे सिल करेंगे ता तले गोटे मुझे तावाटे रखिनेली रुटी सेका तावाटे रखिकी तापर बिरीयानी हांडीटा को रखिनेली 15-20 मिनिट लो फ्लेम रे कुकर नबा देखु 15-20 मिनिट हो सारापर बहुत बढ़िया बासना आसब पूरा रूम आपणकर पूरा बासी देखु के बढ़िया भाव में कुक हो पूरा गरम अच्छी एम बेस हल्बानी आपको सेमती रखिनेबा 15-20 मिनिट 15-20 मिनिट पर आम आपको सर्व करवा 15-20 मिनिट हो सारे मुझे घाटिक देखे नौ देखो राइस के बढ़िया पूरा गोटा गोटा अच्छी पूरा मसला संगे मिसिक रखु टी भल भाव घाटे ने पूरा मसला संगे मिसिक रु तलु आम जमारू लगे देखु तलूर जमारू लगे पूरा बढ़िया भाव में चिंगुड़ी बिरीयी बहुत टेस्टी बहुत एरोमेटिक बहुत बढ़िया लगे ये चिंगुड़ी बिरीयी बनवा तो बहुत इजी देखो चाउल पूरा गोटा गोटा अच्छे चिंगुड़ी मसला सांगे पूरा कोट हो राइस रे भी टी मसलार कोटिंग अच्छी खाला बेलू आपको फिका फिका लगे सब फ्लेवर बहुत बढ़िया भाव में आसो ये चिंगुड़ी बिरीयी को निश्चय प्रस्तुत करूँ देखिए समस्ते बहुत भल पाइबे आउ प्रस्तुत कर सारापर केमी लगे मत कमेंट सेक्शन में कमेंट करके निश्चय जनइबे जदि भल लगी थाए मो भिडी को फ्रेंड्स फैमिली सांगे सेयार करेंगे आ मो वीडियो टी को देखिथिबा लागि आपण मानंकु बहुत बहुत धन्यवाद।